Hello and welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. 30 khabrein fatafat. परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य करण जौहर के ड्रीम टीम टूर के लिए फाइनली हो गए हैं रवाना। वेल, इस टूर के लिए इन स्टार्स ने काफी रिहर्सल्स की हैं, लेकिन जब इस टूर के लिए जाते वक्त इन स्टार्स से पूछा गया कि वो कितने एक्साइटेड हैं ड्रीम टीम टूर को लेकर, तो एक्साइटमेंट से ज्यादा इन स्टार्स की नर्वसनेस दिखी। आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, क्योंकि हम लोग 3 हफ्तों से रिहर्स कर रहे हैं एंड फाइनली वी आर रेडी टू डू द शो एंड हम लोग सब साथ में जा रहे हैं, सो इट फील्स लाइक अ स्कूल ट्रिप एक्चुअली। हम लोग बहुत नर्वस भी हैं क्योंकि हम लोग कुछ रिहर्सल्स की जरूरत है हमें, बट वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर गोना किल इट एंड आई थिंक अमेरिका इज गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत एक्साइटेड है एंड वे ऑफ नाउ, बहुत समय के लिए जा रहे हैं, वे गोइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस। आदि ड्रीम टीम कॉलीग, ड्रीम टीम इज गोना टेक ऑफ टुनाइट गाइस, वी आर गोइंग ऑल द वे टू अमेरिका, टेकिंग ऑफ। If my driver comes on time, then we'll take off. Kidhar hai Shekhar? We're planning to put some music on in the plane and rehearse. Yeah. Can't go for me. We need to rehearse. These khabrein fatafat. कंगना रनौत के हाइजीन सीक्रेट की आज खुलेगी पोल, और वो ये है कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक कंगना रनौत कभी बाथ लेने से भागा करती थी। जी हाँ, और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद बॉलीवुड की क्वीन कह रही हैं। आप भी सुनिए कंगना की जुबानी उनकी ये कहानी। ग्रोइंग अप मेरी आदतें और खराब हो गई, आई वाज वेरी लेजी और मुझे नहाने से बिल्कुल नफरत थी, और जब भी मेरे नहाने की टर्न होती थी आई यूज टू बी वेरी हैप्पी कि आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली कि कोई वो टर्न ले ले, एंड आई बिकेम क्वाइट अ स्लॉप एंड लाइक आई सेड नथिंग गुड हैपेंड टू मी इन दैट टाइम यू नो। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा के क्वांटिको सीजन 2 का लुक आउट हो चुका है और जूम आपको दिखा रहा है उसका पोस्टर। ये पोस्टर प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल हैंडल पर अपलोड किया है विद द कैप्शन फ्रॉम द FBI टू द CIA, हैशटैग एलेक्स पैरिश इज बैक, न्यू स्टोरी, न्यू लुक एंड लॉट्स ऑफ न्यू फेसेस। सीजन प्रीमियर सितंबर 25th ऑन ABC, कांट वेट, क्वांटिको। आपको बता दें कि देसी गर्ल प्रियंका को वहां के एक टीवी शो पर सबसे सेक्सी एक्ट्रेस बताया गया है। 30 खबरें फटाफट। कैटरीना कैफ वर्ल्ड टूर पर जाते वक्त काफी जल्दबाजी में दिखी। आप देख सकते हैं अपनी कार से उतरने के बाद कैटरीना कितनी जल्दबाजी में दिख रही हैं। वेल, शायद कैटरीना को फ्लाइट पकड़ने की जल्दी थी और इसीलिए कैटरीना कैफ बिना रुके सीधे चेक इन करने के लिए चली गईं। लेकिन टूर के लिए वो कितनी एक्साइटेड हैं, उन्होंने ये मीडिया के साथ शेयर किया। फॉर द वर्ल्ड टूर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान वर्क कम फैमिली वेकेशन के लिए हो गए हैं रवाना। ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट के ये विजुअल्स। कल शाहरुख खान को उनकी बेटी सुहाना के साथ एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। सोर्सेज की माने तो SRK यूरोप में एक तरफ जहां इम्तियाज अली की नेक्स्ट अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी फैमिली के साथ वेकेशन भी करेंगे एंजॉय। आपको बता दें गौरी खान ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हैं। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन ने सल्यूट करने के बाद लिया सबसे अलविदा। देखिए ये नजारा जहां वरुण कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ पोज कर रहे थे और फिर उन्होंने सल्यूट भी किया। वैसे वरुण एयरपोर्ट पर कैप्चर किए गए, वरुण ने यहां अपने सभी फैंस के साथ सेल्फी पोज भी दिया। साथ ही वरुण धवन ने टूर पर जाने की अपनी खुशी भी एक्सप्रेस की। बहुत प्रेपरेशंस की हम लोगों ने इसके लिए, सो वी विल नो हाउ इट गोस, होपफुली इट गो वेल, फर्स्ट टूर, सो फिंगर्स क्रॉस। 30 खबरें फटाफट। लेटर ऑन द शो, सैफ करीना ने की अपने आने वाले बेबी के लिए स्पेशल प्लानिंग। 2 की शूटिंग के दौरान एक्टर अर्जुन रामपाल को काफी इंजरीज हुई थी। वेल, एक इवेंट पर पहुंचे अर्जुन ने फिल्म शूटिंग के अपने इन एक्सपीरियंसेस को जूम के साथ शेयर किया और ये भी बताया कि अब वो एकदम ठीक हैं। कहानी 2 आपके शूटिंग के दौरान आप
injured ho gaye the, how's it going? Yeah, so yeah, I had to kind of rehabilitate my leg. I had broken my knee and now I'm climbing a glacier. So I think God's been kind and I've got good genetics that my knee's got kind of healed fully. These khabre fatafat. उलिया जो इन दिनों लद्दाख में सलमान खान के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, वो सलमान के ट्यूबलाइट के शूट के दौरान क्या कर रही हैं? ये उन्होंने इस वीडियो में किया शेयर। तीस खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन के सेक्सी पोस्टर्स ने मलेशिया में मचाया हंगामा। खबर आ रही है कि ऐश्वर्या के पोस्टर को अथॉरिटीज ने ये कहते हुए हटाने के आदेश दिए कि इससे कंट्री के यूथ पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही पोस्टर लगवाने वालों पर भी फाइन लगाया गया है। 30 खबरें फटाफट। सैफ और करीना अपने आने वाले बेबी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और कहा जा रहा है कि सैफ और बेबो ऑलरेडी अपने बेबी के लिए रूम डेकोरेट करने में लगे हुए हैं। इसी न्यूज को सैफ की सिस्टर सोहाली खान ने कंफर्म भी किया है। They have ideas of what the baby room should look like. And at this point, I'm not involved in the renovation, but I hope to see it soon and we're all very excited. 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले अपने सारे कमर्शियल कमिटमेंट्स को पूरा कर लेना चाहती हैं। तभी तो कल शाम हमने दीपिका को स्पॉट किया महबूब स्टूडियो के बाहर अपने एड शूट को कंप्लीट करके घर जाते हुए। इससे पहले बैंगलोर से भी अपने एक कमर्शियल असाइनमेंट को कम्प्लीट करके मुंबई लौटते हुए दीपिका को हमने किया था स्पॉट। 30 खबरें फटाफट। एक्टर आयुष्मान खुराना और सोनम कपूर को हमने स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहां सोनम कपूर नजर आई प्रोफेशनल अटाया में। सोनम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑफिस अटेंड करके बाहर आ रही हैं। वहीं आयुष्मान खुराना नजर आए कूल और कैजुअल लुक में। 30 खबरें फटाफट। कल रात शाहरुख खान को शंकर महादेवन के डबिंग स्टूडियो से बाहर आते हुए स्पॉट किया गया। यहां एसआरके के कंधों पर नजर आया एक स्पेशल टैटू, लेकिन एसआरके ने यहां इस टैटू पर कोई भी बात नहीं की। लगता है ये टैटू एसआरके ने अपने किसी फिल्मी प्रोजेक्ट के लिए बनाया है जिसके बारे में वो फिलहाल नहीं बताना चाहते। 30 खबरें फटाफट। क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा है कि वो मुंबई में जब भी होते हैं सलमान खान के घर जरूर जाते हैं, लेकिन साथ ही शोएब ने रिवील किया है कि सलमान के घर पर जाने का मकसद सलमान खान से मिलना नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स से मिलना होता है क्योंकि शोएब को सलमान के पेरेंट्स काफी अच्छे लगते हैं। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा से ड्रीम टूर के लिए यूएस जाते वक्त जब ये पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि सॉन्ग काला चश्मा में उनके डांस से ज्यादा कटरीना की तारीफ हो रही है और उन्हें ही मिल रहा है ज्यादा अटेंशन, तो देखिए सिद्ध का डिप्लोमेटिक जवाब। तीस खबरें फटाफट। जैकलीन के 11 अगस्त के बर्थडे के लिए वो भी कल एयरपोर्ट से एक शॉर्ट वेकेशन पर जाती हुई आई नजर, जहां उन्होंने बताया अपने स्पेशल हॉलिडे प्लान के बारे में, मगर एक डिटेल वो छिपा गई क्योंकि उनका एक स्पेशल फ्रेंड भी उनको इस वेकेशन पर ज्वाइन करेगा। एनी स्पेशल बर्थडे प्लान? यस, आई प्लान्ड अ स्मॉल लिटिल ब्रेक, सो बट आई विल बी बैक इन टाइम फॉर माय प्रमोशंस अगेन। 30 खबरें फटाफट।
कुछ दिनों पहले जहां ऐसी न्यूज थी कि एमी जैक्सन अर्जुन श्रद्धा स्टार हाफ गर्लफ्रेंड में एक स्पेशल रोल करने वाली हैं, उन्होंने अब कर दिया है इस रोल से इनकार। दरअसल एमी सितंबर से एक ब्रिटिश फिल्म शूट करने वाली हैं और इसके चलते उन्होंने अर्जुन को कर दिया इनकार। फ्रीकी अली में नवाज के साथ काम कर रही एमी ने तो अर्जुन की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद अर्जुन, आई थिंक ही इज अ फैबुलस एक्टर एंड अमंग ऑल द एक्टर्स फ्रॉम द न्यू जनरेशन आई लाइक हिम अ लॉट बट आई एम होपिंग आई गेट टू वर्क विद हिम इन द नियर फ्यूचर। 30 खबरें फटाफट। इलियाना ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन स्टार्स पर कमेंट कर दिया जो अपने ब्रेकअप के बाद में भी फ्रेंड्स रह लेते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट लव के बारे में कहा, एंड वी क्वोट, आई हैव नेवर बीन फ्रेंड्स विद एनी ऑफ माय एक्सेस बट देयर इज नो बिटरनेस, आई थिंक इफ यू हैव दैट फॉर समबडी यू शुड मूव ऑन, आई रिमेम्बर माय फर्स्ट लव एंड ही डिड ब्रेक माय हार्ट बट इट्स अ स्ट्रेंज अंडरस्टैंडिंग, आई इवन टोल्ड हिम यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज एंड वी मूव्ड ऑन, मूव ऑन इज द मंत्र। 30 खबरें फटाफट। जहां कल ड्रीम टूर के लिए सब स्टार्स एयरपोर्ट पर दिख रहे थे, वहीं आदित्य रॉय कपूर दिखे अपने ड्राइवर की वजह से कुछ परेशान और साथ ही उन्हें कॉल करते हुए। ड्रीम टीम इज गोना टेक ऑफ टुनाइट गाइस, वी आर गोइंग ऑल द वे टू अमेरिका, टेकिंग ऑफ। इफ माय ड्राइवर कम्स ऑन टाइम देन वी विल टेक ऑफ। किधर है शेखर? 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली शोभा डे ने रियो ओलंपिक्स को लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था जिस पर काफी इशू भी हुआ। वेल, इस पर जब कंगना से रिएक्शन लिया गया तो कंगना रनौत ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की। A powerful woman who people look up to. For someone like that to display such a disheartening and sort of despair over country's spirit is not a good news for sure. I hope our athletes don't get disheartened and we need to do our best. 30 khabrein fatafat. Coming up on the show, सलमान यूलिया का रूम सीक्रेट। तीस खबरें फटाफट। परिणीति और आलिया को दी करण ने हिदायत। दरअसल करण जौहर के ड्रीम टूर के लिए एडवांस बुकिंग बहुत कम हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने टीम को इंस्ट्रक्ट किया कि ड्रीम टूर के अलावा किसी और चीज के बारे में बात ना हो। देखिए आलिया और परिणीति की चुप्पी। यू सेड आनंद एल राज फिल्म अपोजिट शाहरुख खान, सो कैन वी आई एम ओनली हियर टू टॉक अबाउट टीम बट आपने वो फिल्म साइन किया जिस टाइम इज कंफर्म आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एनी फिल्म आपने गोलमाल 4 साइन किया लो हां गोलमाल 4 साइन किया एक मिनट आप पीछे हो जाइए आप पीछे हो जाइए 30 खबरें फटाफट। एक एक्स टीवी एक्टर ने सलमान खान पर लगा दिया है इल्जाम। आकाशदीप सहगल नाम के इस एक्टर ने सलमान खान के साथ एक रियलिटी शो पर किया था काम जिससे सलमान होस्ट करते हैं, मगर अब 7 साल के बाद उन्होंने सलमान पर इल्जाम लगाया है कि सलमान ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। साथ ही उन्होंने कमेंट किया कि वो 10 लोगों को हमेशा अपने साथ घुमाकर पावर नहीं दिखाते हैं। He said and we quote, I never hired any PR to destroy a career. I don't have a petty mind. I don't take 10 people along with me to make myself seem more powerful. 30 खबरें फटाफट। सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा के हो गए हैं 5 मिलियन फॉलोअर्स और इस खुशी को सोनाक्षी सेलिब्रेट कर रही हैं। सोशल मीडिया पर अपनी ये वीडियो डालते हुए सोनाक्षी ने किया सेलिब्रेट। तीस खबरें फटाफट। मलाइका अरोरा का हॉट अवतार आया सामने। ये है मलाइका का हॉट फोटोशूट जो उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है। अपनी इस पिक्चर को मलाइका ने अपने सोशल नेटवर्किंग पर किया है शेयर।
30 खबरें फटाफट। सलमान यूलिया के ले पिक्चर सोशल मीडिया पर ऑलरेडी वायरल हो गए हैं और अब सलमान यूलिया से जुड़ी एक खबर हेडलाइंस बना रही है। कहा जा रहा है कि सलमान यूलिया ले में एक साथ तो मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों एक रूम शेयर नहीं कर रहे। दोनों स्टार्स के होटल के रूम्स अलग अलग हैं। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह का ये अवतार आपको नजर आएगा उनकी इंडो चाइनीज फिल्म में। रणवीर सिंह की फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में रणवीर नेवर बिफोर सीन अवतार में एक्शन करते हुए नजर आएंगे। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की फिल्म सुल्तान के अच्छे कलेक्शंस का रियो ओलंपिक्स में शामिल हुए एथलीट्स को भी फायदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि यशराज फिल्म्स ने फैसला किया है कि जो भी इंडियन एथलीट रियो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतेगा उसे वो 10 लाख रुपए देंगे। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सुल्तान की सुपर सक्सेस के बाद सलमान खान ने अली अब्बास जफर के साथ एक और फिल्म टाइगर जिंदा है साइन कर ली है। इस फिल्म को भी यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाले हैं और ये एक एक्शन फिल्म होगी। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के हाथों में कुछ दिनों पहले नजर आए मिस्टीरियस रिंग के राज से फाइनली ईशा ने पर्दा उठा दिया है। ईशा का कहना है कि वो रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए फिलहाल वक्त नहीं है। वेल, ईशा ने डिप्लोमेटिकली इस सवाल का जवाब दिया है, यानी ये रिंग उन्हें किसी समवन स्पेशल से ही मिला है। 30 खबरें फटाफट। जॉन अब्राहम ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा, एंड वी क्वोट, द स्ट्रगल्स कीप गोइंग ऑन इन माय लाइफ, द स्ट्रगल्स आर नेवर गोइंग टू एंड, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रगलर। जॉन ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके दोस्त उन्हें कहते हैं कि उनके पास गाड़ी है, बाइक्स हैं, प्रोडक्शन हाउस है, फिर भी स्ट्रगल कहाँ है, मगर वो खुद को और अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर देते हैं कि वो अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है और स्ट्रगल है।